दिल दिल परदेसी हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सोच रहे हैं। ये पॉपुलर सॉन्ग 1999 में बड़े पर्दे पर प्रसारित हुई और ये गाना फिल्म कच्चे धागे का है। इस फिल्म की कहानी और गाने दोनों ही दर्शकों का मन मोह लिया था और इस फिल्म में सभी कलाकार अपने किरदार को बखूबी निभाते हुए नजर आए थे। फिल्म की इसी खासियत की वजह से आज भी इस फिल्म के लाखों लोग दीवाने हैं। लेकिन आप इन कलाकारों के बारे में तो सब जानते होंगे, पर क्या आप इन कलाकारों के रियल लाइफ माता पिता के बारे में जानते हैं कि वे कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म में काम करने वाले कुछ कलाकारों के रियल लाइफ माता पिता से रूबरू कराने वाले हैं, जो अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं कौन है वो कलाकार और उनके रियल लाइफ माता पिता। नंबर 5, अनु कपूर। इस फिल्म में एक्टर अनु कपूर ने कव्वाली सिंगर का किरदार निभाया था, जो फिल्म में बहुत कम समय के लिए नजर आए थे। लेकिन अगर बात करें इस टैलेंटेड एक्टर के माता पिता के बारे में, तो इनके पिता का नाम मदन लाल कपूर है, जो कि प्रोफेशन से एक फेमस सिंगर रह चुके हैं। वहीं अगर बात करें इनकी मदर के बारे में, तो इनकी माँ का नाम कमल शबनम कपूर है, जो कि प्रोफेशन से एक पोएट और टीचर रह चुकी हैं। नंबर 4, अजय देवगन। इस फिल्म में आफ्ताब का मुख्य किरदार अभिनेता अजय देवगन ने निभाया था, जो राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर छोटी मोटी तस्करी करता था। लेकिन अगर बात करें शानदार अभिनेता के माता पिता के बारे में, तो इनके पिता का नाम वीरू देवगन था, जो फिल्म डायरेक्टर, इंडियन स्टंट मास्टर और एक्शन कोरियोग्राफर थे। लेकिन इन्होंने साल 2019 में अपना शरीर त्याग दिया था। वहीं अगर बात करें इनकी माँ के बारे में, तो इनकी माँ का नाम वीरा देवगन है, जो कि प्रोफेशन से फिल्म प्रोड्यूसर है। नंबर 3, सैफ अली खान। इस फिल्म में अभिनेता सैफ अली खान मेन लीड एक्टर के तौर पर धनंजय पंडित का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जिन्हें फिल्म में प्यार से जय के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन अगर बात करें जबरदस्त अभिनेता के माता पिता के बारे में, तो इनके पिता का नाम मंसूर अली खान पटौदी था, जो प्रोफेशन से इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं। लेकिन इन्होंने साल 2011 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वहीं अगर बात करें इनकी मदर के बारे में, तो इनकी मां का नाम शर्मिला टैगोर है, जो कि प्रोफेशन से इंडियन फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इन्होंने आराधना जैसी कई फिल्मों में काम किया है। नंबर 2, नर्मदा शिरोडकर। इस फिल्म में धनंजय पंडित की प्रेमिका रागिनी का किरदार अभिनेत्री नर्मदा शिरोडकर ने निभाया था। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अदाकारा के माता पिता के बारे में, तो इनके पिता का नाम नितिन शिरोडकर है, जो कि प्रोफेशन से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वहीं अगर बात करें इनकी माँ के बारे में, तो इनकी माँ का नाम विनीता शिरोडकर है, जो घर में रहकर अपने परिवार का ख्याल रखती थी। लेकिन उन्होंने साल 2018 में ही अपना शरीर त्याग दिया था। नंबर 1, मनीषा कोइराला। इस फिल्म में मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर रुखसाना का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नाम मनीषा कोइराला है, जो फिल्म में आफ्ताब की प्रेमिका का किरदार निभाते हुए नजर आई थी। लेकिन अगर बात करें इस टैलेंटेड हसीना के माता पिता के बारे में, तो इनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला है, जो कि प्रोफेशन से नेपाल में एक पॉलिटिशियन के तौर पर काम करते हैं। साथ ही ये पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री भी हैं। वहीं अगर बात करें इनकी मदर के बारे में, तो इनकी मदर का नाम सुषमा कोइराला है, जो कि एक हाउसवाइफ है और हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती हैं। तो दोस्तों, आपको फिल्म कच्चे धागे में इन कलाकारों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग किरदार किस कलाकार का लगा था, आप उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।